दोस्तों, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द होता है, जैसे कि कई व्यक्ति क्या करते हैं कि ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट करते समय क्या होता है कि उनके पैर से कटकट की आवाज आने लगती है, या जब वह ज्यादा वर्कआउट करते हैं या रनिंग करते हैं, या अगर उनके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है, तब ऐसी स्थिति में आज मैं आपको कुछ ऐसे देशी आहार बताने वाला हूँ जिसका सेवन अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में कभी भी दर्द नहीं होगा। आपको पता है कि हमारा शरीर वात, पित्त और कफ, इन तीन दोष से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कफ की होती है 20, पित्त की होती है 40 और वात की होती है 80 बीमारी। तो जब जब हमारे शरीर में वात दोष बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में दर्द होता है। शरीर के हर प्रकार के दर्द में वात का रोल 100% रहता है। यानी कि अगर मान लें कि अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, या शरीर के किसी भी अंग में दर्द होता है, तो उस हिस्से में वायु बढ़ गई है, तो इसी वायु को बैलेंस करने के लिए शुरुआत करते हैं नंबर 3 से। नंबर 3 पर आप कर सकते हैं खसखस का सेवन। कई व्यक्ति इसे खसखाश के नाम से जानते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉपी सीड्स। जैसा कि आपको पता है कि हड्डियों के लिए सबसे अच्छा क्या है, हड्डियों के लिए सबसे अच्छा है कैल्शियम। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि खसखस जो पॉपी सीड्स होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। इससे हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। इससे जो हमारे हड्डियों के बीच में लुब्रिकेंट्स है, जो चिकनी चीज रहती है, हमारे हड्डियों में स्निग्धता रहती है, तो इसका सेवन करने से हमारे शरीर में सॉफ्टनेस आती है, हमारे हड्डियों में स्निग्धता आती है, चिकनापन आता है। और दोस्तों, ना केवल इसके फायदे हमारी हड्डियों के लिए होते हैं, बल्कि इसका सेवन करने से कब्ज की समस्या भी नष्ट होती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। और ठंडियों के मौसम में कब्ज होना ये एक आम बात है। जो व्यक्ति चाहते हैं कि जिनका वेट गेन हो, अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, तब वह व्यक्ति खसखस का सेवन कर सकते हैं, पॉपी सीड्स का सेवन कर सकते हैं। खसखस हमारे ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, याददाश्त शक्ति बढ़ती है, और ऐसे खसखस लेने के बहुत सारे फायदे होते हैं। इसका सेवन आप कैसे कर सकते हैं? इसका सेवन आपको करना है रोज दूध के साथ। यानी कि जब भी आप दूध पीते हैं तो उसके पहले इसको चबा लें, ऊपर से दूध पी लें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे आहार के बारे में। दूसरे आहार में आप सेवन कर सकते हैं चूना का। चूने के बारे में आपको पता होगा कि यह सीधा कैल्शियम ही है, यानी कि इसमें 100% कैल्शियम होता है। लेकिन विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि जो मार्केट में मिलने वाला चूना होता है, यानी कि जो रॉ चूना होता है, उसका सेवन आपको नहीं करना। जो पान वाले बनाते हैं, यानी कि चूना को शुद्ध करके, वैसे अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि चूना को शुद्ध कैसे करना है, लेकिन जो पान वाले बनाते हैं वो चूना को शुद्ध कर ही बनाते हैं। और इसकी प्राइस की बात करें तो सिर्फ 1 रुपए में ही आपको इतना चूना मिल जाएगा कि आपका 2 से 3 महीना वह चूना चल जाएगा। जो हमारे ऋषि महर्षि ने जो पूरा कैल्शियम दिया है, जो आपके घर में है, लोग उसका सेवन नहीं करते, बल्कि उस टैबलेट का सेवन करते हैं जो कि महंगी है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये फिट कर दिया है कि जो सबसे महंगा वो सबसे अच्छा। अब हम जानते हैं कि आपको चूना का सेवन कैसे करना है। चूने का सेवन आपको करना है आपको रोज खाली पेट। आप कर सकते हैं पानी के साथ, आप कर सकते हैं दही के साथ। दही के साथ इसका सेवन करना सबसे उत्तम होगा। और दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपको इसको सीधा नहीं खाना, सीधा आपको अपनी जीभ में नहीं रखना, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जीभ फट जाएगी। इसको आपको किसी अन्य चीज के साथ मिलाकर खाना है। अब भले ही आप इसका सेवन खाली पेट ना कर सकें, कोई बात नहीं, आप दिन में कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं, यानी कि किसी न किसी रूप में और किसी न किसी समय हमें चूने का सेवन करना है। आप इसको दाल में डाल सकते हैं, आप इसको सब्जी में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जाना चूने के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 1 आहार के बारे में, वो है तिल, यानी कि काला तिल। वैसे अगर आपको सिर्फ कैल्शियम की पूर्ति करनी है तो आप सफेद तिल का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जो तिल का सफेद भाग होता है उसमें भी कैल्शियम मौजूद होता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि वात दोष के लिए जिंदगी भर अगर आपको अपने शरीर का वात दोष बैलेंस रखना है तो तिल सबसे उत्तम औषधि है। इसमें विशेष करके आप क्या कर सकते हैं कि आप तिल को लगा भी सकते हैं, यानी कि तिल का तेल, और तिल को खा भी सकते हैं, यानी कि तिल के दाने। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहां तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।